मुकुंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू सर। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा है सर। और ये पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत ओके, थैंक यू वेरी मच सर। है। ये फैसिलिटी बड़ा का बहुत अच्छा हुआ देखो सर। क्या मैं होता था तो मुकुंद जी, अपन वेबिनार लेते थे और 1.5-2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोग बात कर सकते थे, बाकी बराबर लोग बैठ के ऐसे ही बोर हो जाते थे। तो फिर ओके मैंने ओके क्या सर। बोला कि जैसे आज आपका प्रश्न है तो ये आपका हाँ अकेले का नहीं है, सभी लोगों का है। और हाँ अभी सर, यूट्यूब चैनल भी अपना 1,51,000 से ज्यादा लोग वहीं पे है, तो ये बराबर सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि वहीं पे 1,000 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते थे। बराबर। तो इसीलिए ये स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत लाइक किया, जैसे आपने अभी बोला कि अच्छा है करके। तो ये अपन YouTube के ऊपर रखते हैं और हमेशा के लिए रहेगा। तो जो भी लोगों को यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, उसी से हाँ बहुत सारे लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो बराबर सर। अभी आप ये अपना हाँ परिचय करवा दीजिए और फिर आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं मुकुंद यनगुंटी, ये कर्नाटक से है सर, सुरपुर नाम गांव का नाम। हमारा पहले का प्लॉट ऑलमोस्ट 8 ईयर का प्लांटेशन हो गया सर। प्लांटेशन उसमें ऑलमोस्ट 2000 प्लांट्स है। नया नया जो 4 ईयर्स का है वो 4 साल, 4 साल का प्लांट्स है सर। उसमें प्रॉब्लम, मेरा 4 साल का प्लांटेशन है ना, उसमें सर प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा एकदम वेरी लाइट सॉइल है सर, उसका मुरुमोले सॉइल की जैसे है सर। और उसमें लास्ट टाइम हम यह बार लिए थे, हमको थोड़ा मई में एकदम बारिश और हाई फ्लो विंड ज्यादा हुआ था ना सर, उस टाइम से ब्लाइट अटैक हुआ है, सो कंट्रोल में नहीं आया सर। हमको अब क्या करें, आपके साथ डिस्कशन होने के बाद तो सॉइल, वो जो हेल्थ कंडीशन, सॉइल कंडीशन भी थोड़ा ठीक से रखने के बाद तो थोड़ा ब्लाइट कंट्रोल होता है, ऐसा सब करने के बाद सर हम इस बार क्या सोच रहे थे, मुर्गा बार में जा सकते हैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ सर। ग्रेट, आपने मुकुंद जी ट्रेनिंग किया जैसे हुआ हम है? पूरा इस कंप्लीट 2 मंथ वो हाँ सर, हाँ सर, ट्रेनिंग किया है आपने? हाँ सर, सब सब हाँ सब ट्रेनिंग हो गया सर। सभी ट्रेनिंग कर ली है। हाँ तो अभी आपको ये तो पता है कि अंबिया बाहर लेने के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और मुर्ग बाहर लेने के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्योंकि अभी बराबर आपने सर। बोला कि मेरी सॉइल बहुत लाइट है और मैंने अंबिया बाहर लिया था, हाँ तो लाइट सॉइल में कैटायन सर एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, पानी पकड़ने की कैपेसिटी हाँ भी कम होती है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी कम बराबर होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है फ्रूट हाँ डेवलपमेंट स्टेज में, ह्यूमिडिटी कम होती है फ्रूट बराबर डेवलपमेंट स्टेज में, और उसी टाइम अगर आपके यहाँ पे बारिश आती है, जो कि साउथ इंडिया में साइक्लोन अगर आता है या डिप्रेशन बेल्ट अगर बनता है, तो बारिश अगर समर में आएगी तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बनेगी, और वार्म एंड ह्यूमिड हाँ कंडीशन सर में आपके यहाँ पे ग्रीन फ्रूट स्टेज अगर है तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। बराबर मतलब पानी करेक्ट सर कम, न्यूट्रिएंट कम, पौधा आपका डिफिशिएंट है न्यूट्रिएंट और पानी से, उसी में अगर डिजीज आने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल बनती है और बैक्टीरियल ब्लाइट आने के लिए स्टेज भी है, क्योंकि ग्रीन फ्रूट स्टेज में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल बराबर ब्लाइट आता है, तो आपका प्लॉट तो वहीं पे जाएगा। ये आपने ट्रेनिंग में भी सुना होगा मेरे से। तो अभी बराबर आप जो बोल रहे हैं कि मैं मुर्गे बाहर में जा सकता हूं क्या, तो मैं डेफिनेटली सर आपको बोलता हूं कि अगर आपकी मिट्टी लाइट है, हाँ मुरुम सर वाली मिट्टी है, कम पानी पकड़ने वाली मिट्टी है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम है या न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम है, आपको मुर्ग बाहर में ही जाना चाहिए। लेकिन जो अक्टूबर हीट है, अक्टूबर हीट में आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट सर आने की संभावना हाँ बढ़ेगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हाँ आपको सर मई हाँ एंड में या जून में पहला पानी देना है, उसके बाद हाँ आपको सर अच्छा न्यूट्रिशन देना है, आपको एवेना न्यूट्रीमिक्स कंटिन्यूअस देना है,
पत्तों का केयर करना है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा रखना है, एनर्जी प्रोडक्शन पौधे में अच्छा रखना हाँ है, सर, और जैसे ही अक्टूबर हीट हाँ आएगी उस टाइम जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें आप हुआसान लीजिए या फिर माइक्रोशील्ड लीजिए, एक दिन छोड़ के आप डिकोर का स्प्रे ले लीजिए, डिकोर 2 ग्राम पर लीटर पानी में, जो एंटी फंगल है एंटी बैक्टीरियल है, और फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप सिक्योर पी ले सकते हो, सिक्योर पी है सिनर्जी का प्रोडक्ट है, 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में, या फिर आप लांस प्रो ले सकते हो 1 ग्राम पर लीटर पानी में, या स्पोर प्लस ले सकते हो 1 ग्राम आधा ग्राम पर लीटर पानी में। इस प्रकार से आपको बराबर सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, फिर आपको कि इसको बराबर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो डिकोर है डिलाइट एग्रो का, उसको स्प्रे करके भी फंगल और बैक्टीरियल कम करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालना पड़ेगा। ऐसे अगर आप करोगे तो ये डिजीज मैनेज होगा। 2 या 3 राउंड अगर आपके वहीं पे हो जाते हैं तो बैक्टीरियल ब्लाइट आप अच्छी तरह से कंट्रोल करोगे, और आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का हाँ पोमोग्रेनेट वहीं पे मिल सकता है दिसंबर जनवरी में। वो हम भी हमारे लिए थे सर, उस हाँ टाइम हाँ थोड़ा अच्छा मिला था सर, लेकिन थर्ड उसमें ऐसे हो गए सर। नहीं नहीं होता क्या है कि जहाँ पे आप कंटिन्यूअस पानी देते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, तो मिट्टी भी तो आपकी खराब होती है ना वहीं पे, तो ओके सर, उसी के कारण धीरे धीरे पौधे में डिफिशियंसी ज्यादा आती है और फिर डिजीज वहीं पे बढ़ता है। बराबर सेकेंड, सर, पहले हाँ थोड़े सर, थोड़ा डिजीज था आपके यहाँ पे, बाद में वो डिजीज भी तो स्टेब्लिश हो जाता है ना वहीं पे, इसी के और कारण। एक सर वही सर सेम अम्बियाबाद सेम डेट पे, और एक हमारा ओल्ड प्लॉट है वहाँ पे, अच्छा है सर, बहुत अच्छा क्वालिटी है, ऑलमोस्ट एवरेज हमको 110 रुपीज आए सर, ऑलमोस्ट 1600 प्लांट्स में 40 टन्स माल लिया सर, बहुत अच्छा है सर, क्वालिटी भी बहुत अच्छा था सर सर उस टाइम, लेकिन ये पूरा प्लॉट खराब हो गया सर, आप बोल दिए ना सर मोर देन 50% डैमेज हुआ, तो छोड़ दो उनको, हाँ आप ही मत लगाना बोले ना, इसलिए वो निकाल दीजिए सर। अब वो अभी स्टोरेज पीरियड में चल रहा है सर, स्टोरेज कर दिया सर पूरा आपके हिसाब से, नेक्स्ट जून उसमें लेने के लिए सोच रहे सर। ठीक है ठीक है। इसलिए और एक मेरे क्या था सर डाउट क्या था, अगर बारिश बार बार आते रहता ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा क्या सर? नहीं, उसमें आपको तो स्प्रे करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ करके कंट्रोल कर सकते हैं ना सर, तो कंट्रोल होता है ना, लोग लेते हैं ना वो बाहर, आपके आजू हाँ बाजू में भी कुछ लोग लेते होंगे ना। इधर थोड़ा वो पोमोग्रेनेट कम है सर, लेकिन जो भी है वो सब लोग अम्बियाबाद जाते सर, इधर थोड़ा बढ़िया। वाटर फैसिलिटीज अच्छा है सर, इरिगेटेड लैंड्स है ना सर, इधर हाँ, थोड़ा अच्छा है सर, अम्बियाबाद ही प्रेफर करते हो लोग। ठीक है ना, ठीक है ना।